कौन जानता था सादिया को, आका के नाम की वजह से ही सब कुछ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी महफिल सजाई है आपने, तो मैं कहती हूँ कि मैंने कहाँ सजाई, मैंने कहाँ होगा था कि मैं उनकी महफिल सजा सकूँगा। महफिल तो उन्होंने ही सजाई है, उनके अल्फाज और उनकी जो फिजा में जो गूंज है, और आका की जो आमद आमद है, उनकी आमद के जो चर्चे हैं, उनके आने से ही तो बहारे हैं, तो उनके आने से ही सब कुछ है। तो ये जो जितने भी बहारों के रंग लगे हैं, जितने भी हमारे घरों में खुशियाँ सजी हैं, बच्चों की, हमारे बच्चों की खुशियाँ भी सब उनकी वजह से है। इसीलिए ये जो शेर है, जब मतलब जमाने का टुकराया हुआ हर तरफ से धक्के खाकर जब आता है, तो वो यही उसका दिल तड़प जाता है कि हुजूर मेरी तो सारी बहारा, फिर कोई सहारा है, बेसहारों तक सहारा आ गया, गरीबों के वाली भी आप ही है, और गरीबों से मोहब्बत करने वाले भी मेरे आका ही है। जो जो दुनिया वाले हैं वो तो अमीर अमीरों से मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों से भी मोहब्बत करते हैं मेरे आका की सन्नत पर अमल करते हुए भी, और इसके अलावा भी उनका दिल गरीबों की तरफ खींचे रहते हैं, लेकिन मेरे आका जाने कायनात आज तो हर गरीबों से मोहब्बत करवाते हैं। तो बेसहारों का सहारा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उनकी नजरे करम मिल जाए तो दुनिया की सारी दौलतें मिल जाए, और अगर उनकी नजर नहीं मिली तो कुछ भी ना मिला। अल्लाह ताला हमारी आज इस महफिल पर रहमतों का नजूल फरमा दे। आज इस महफिल पर आका अलैहिस्सलाम जब हम दुरूद पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, तो आका करीम खुद सुनते हैं। हदीस से साबित है कि आका करीम खुद सुनते हैं, और जुमे के दिन पे पढ़ते हैं तो